नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, नियोजन नीति रद्द करने के फैसले को दी चुनौती। तो न्यूज़ में क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में बताते हैं आपको। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नियोजन नीति रद्द करने के फैसले को दी गई है चुनौती। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले नियोजन नीति जो थी उसको रद्द कर दिया गया था, जिस नियोजन नीति को रघुवर सरकार के कार्यकाल में लाया गया था। राज्य की नियोजन नीति को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए आग्रह किया गया है। सरकार ने इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में रद्द की गई शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अनुसूचित जिलों में जो भी सरकारी टीचर हैं, जो भी अभी पढ़ा रहे हैं टीजीटी के, जो भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनकी जो नियुक्ति है उसको रद्द करने का जो हाईकोर्ट से फैसला आया था, उस फैसले को रद्द करने के लिए कहा गया है, आग्रह किया गया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे न्यूज में क्या है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 21 सितंबर को राज्य के नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया था। जी हाँ दोस्तों, राज्य की जो नियोजन नीति थी उसको असंवैधानिक बताया था, कि कहा गया था कि किसी भी राज्य के किसी भी जिलों को 100% आरक्षित नहीं किया जा सकता, ये असंवैधानिक है। सोनी वर्सेस जेएसएससी का ये मामला था दोस्तों। आगे है दोस्तों, इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। सरकार को इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, सरकार को कहा गया था कि इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू कर दिया जाए, 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द निकाल के कर दिया जाए। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, सरकार की नियोजन नीति में राज्य के अनुसूचित जिलों में तीसरे और चतुर्थ वर्ग की नौकरियाँ में सिर्फ उन्हीं जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए ही निर्धारित की गई थी। गैर अनुसूचित जिले के लोग यहाँ नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, जबकि गैर अनुसूचित जिलों के अनुसूचित जिले के लोग आवेदन कर सकते थे। ये मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। हाई स्कूलों की नियुक्ति इस नीति के तहत की गई थी, इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। यानी जो सोनी ने ये केस किया था, सोनी के द्वारा जेएसएससी को ये केस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, सरकार की ओर से शीर्ष कोर्ट में दाखिले के लिए एसएलपी दी गई है। बीते 21 सितंबर को हाईकोर्ट ने इस नियोजन नीति को निरस्त कर दिया गया था, यानी जो नियोजन नीति थी इसको निरस्त कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, इसके अनुसार अनुसूचित जिले ये थे, यहाँ के व्यक्ति जो भी हैं, यहाँ इन जिलों के जो भी व्यक्ति हैं वो यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं, गैर अनुसूचित जिलों में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ बाहर से भी, बाहरी राज्य के लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस जिले में यहाँ के, इसके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं और यहाँ के लोग भी यहाँ नहीं जा सकते थे। ये नियम बनाया गया था रघुवर सरकार की ओर से। उसके बाद एक सोनी नाम है, जो भी सोनी जो कि पलामू के रहने वाली हैं, इन्होंने केस किया था टीजीटी वालों के संबंध में जेएसएससी को। और उसके बाद सरकार ने जितने भी टीचर्स हैं इनकी नियुक्ति जो है रद्द कर दी गई है, उनको बचाने के लिए नियोजन नीति के जो मुद्दा है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो झारखंड सरकार है, हेमंत सरकार के जाने से पहले ही हमारे जितने भी टीचर्स हैं जिनको नियुक्ति रद्द हो गई है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जब ये नियोजन नीति गलत है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे सही ठहराएगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट इसे सही ठहराएगा तो क्या फिर से सोनी इस बात को मानेगी? सोनी भी यही चाहती थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। उनका कहना था दोस्तों कि वो अनुसूचित जिले साथ ही साथ गैर अनुसूचित जिले दोनों की नियुक्ति रद्द कराना चाहती थी, यहाँ का भी और यहाँ का भी। उनके अनुसार कहना था कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ और यहाँ की भी जो नियुक्ति है इसको रद्द किया जाए और यहाँ का भी नियुक्ति रद्द किया जाए और फिर से नया निकाला जाए। यानी सोनी जो चाहती थी वही हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली गई है।
और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, एक हेमा सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि रघुवर सरकार ने प्रॉब्लम में डाला है यहाँ के वासियों को, तो बात सही है उन्होंने डाला है, लेकिन आप अगर इस नीति को गलत मानते हैं, ऊपर से आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरी राय देखिए तो ये सिर्फ एक तरह से फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये नीति गलत है तो सुप्रीम कोर्ट इसे क्या सही ठहराएगी? या और अगर सही ठहरा दिया जाता है तो क्या सोनी फिर से केस लड़ेगी? और यहाँ पर बात आता है दोस्तों, यही बात अभी सब स्टूडेंट्स के मन में यही असमंजस है कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है। तो दोस्तों अब देखिए आगे क्या होता है। अगर इस नीति को सही माना जाएगा तो इनकी जो नियुक्ति है उसको रद्द नहीं किया जाएगा, और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, हाई कोर्ट हाई स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होगी, अनुसूचित जिले की भी रद्द नहीं होगी। और अगर गलत है तो फिर वही होगा, गलत है तो अगर ये संविधान के हिसाब से गलत है तो गलत ही होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। अब देखिए आगे क्या होता है, इसमें बहुत सारे नियम कानून अगर किसी अनुच्छेद में लिखा होगा, किसी अनुच्छेद में कुछ अगर इसके थ्रू कुछ ऐसा नियम होगा कि जिनकी नियुक्ति हो गई है उन्हें नहीं निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नियम होगा तो कुछ हो सकता है, आशा करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात बता दूं, जितने भी शिक्षक हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ गलती नहीं है। हाल ही में पंचायत सचिव के भी छात्र जो हैं उनका भी इसी के कारण जो नियुक्ति है वो रुका हुआ है, और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, इसमें ना किसी शिक्षक की गलती है, ना कोई स्टूडेंट की गलती है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के थ्रू गए हैं, एग्ज़ाम पास होने के बाद गए हैं। यहाँ तो गलती उनकी है जो नियम बनाते हैं, और जो नियम बना था वो रघुवर सरकार के टाइम पे बना था, और उनके उनके समय में जो भी लोग काम करते थे उन्होंने ही ये नियम बनाया था, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा मिल रहा है स्टूडेंट्स को। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या सोच के सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, ये आने वाले वक्त में बताएगा, और इसका क्या रिजल्ट होगा ये आने वाले टाइम पे आपको दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा होने वाला है कि ये जो 5938 है, 5938 के चलते बहुत सारी नियुक्तियाँ जो होने वाली है उन पे प्रॉब्लम आ रही हैं और आएगा ही। जब तक 5938 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक का नियुक्ति नहीं होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है और आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, क्या होता है, आशा करते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको उनकी जो नियुक्ति है उसको रद्द नहीं किया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।